मंत्री इमरती देवी ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी के लोगों पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। इमरती देवी ने इस बार अपनी हार का ठोकरा सीधे पार्टी के लोगों पर फोड़ा है। इमरती देवी ने अपने बयान में दावा किया है कि उनके विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष तक ना कोई काम नहीं किया है, उन्होंने पूरा चुनाव अपनी ही दम पर लड़ा है। इमरती देवी ने लोकसभा टिकट के लिए भी कहा है कि उन्होंने टिकट मांगी ही नहीं, यदि मांगती तो जरूर मिलता। आपको ये गलत कह रहा है कि मैं टिकट मांग रही थी, अगर मैं टिकट मांगती तो टिकट मिलता। मैंने टिकट लोकसभा का मांगा ही, किसी नेता से मांगा हो तो कोई बता दे कि हमसे। मैंने ज्योतिरा सिंधिया जी पे भी टिकट नहीं मांगी, इसलिए मैंने नहीं देना। महाराष्ट्र से मजबूत हुआ कोई नहीं आएगा, श्रीमान ज्योतिरा सिंधिया दोनों सीटों से चुनाव जीतेंगे, ये हम गारंटी देंगे।